अंकल यही बोल मानो रहे हैं, कुछ अरे कुछ देने का भी नहीं है, कुछ और कभी नहीं पागल होता है है, यार क्या सच में, मेरे को बनेगा। जो प्यार मिला ना वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। नहीं नहीं अंकल, तो यार अभी तो लग गए बिना डायग्नोस्टिक है, ये 13 और 14 तारीख को बंद है, ये 12 न्यू ईयर है मणिपुर का आज। सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी मैं हूँ थोंगलो विलेज में, सेनापति मणिपुर में, और भाई ये मेरा लास्ट दिन है आज मणिपुर में भी और यहाँ पे भी। सो अभी बस हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं, ये मैंने मैगी बनाया और भाभी वगैरह खाना वाना खा रहे हैं, अंकल खाना खा रहे हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पिया। तो यार बहुत ही अच्छा लगा, और सच बताऊँ ना तो मन बहुत उदास है मेरा, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ। आफ्टर 3 डेज आज मुझे जाना है, तो वाकई में मुझे बहुत, मुझे यार शायद टाइम निकाल के आना चाहिए था, कम से कम यार 1 सप्ताह तो होना ही चाहिए था। बट एनीवेज 3 दिन भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं ये, और बहुत ही अच्छा लगा भाभी आपके साथ, सबके साथ बहुत प्यार मिला मुझे यहाँ। और अंकल तो पूछो मत, क्या अंकल बहुत मजा आया आपके साथ, ऊपर भी गया पहाड़ में, बारिश आया, कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आज क्या फेस्टिवल है आज उधर मणिपुर, कौन सा? चेराओबा। चेराओबा फेस्टिवल क्या होता है फिर इस फेस्टिवल में? मंदिर में भी जाके पूजा करते हैं, अपना भाई भाई के घर में जाके सामान लेके जाएगा, तो नवंबर में चकाओबा होता है ना मणिपुरी का, उसके लिए सामान लेके जाना पड़ता है भाई। अच्छा लो भाई हमारे दीदी भी आ गए अभी हमको अलविदा कहने के लिए। आप जाने से राजस्थान चली जाएगा ना इधर से? हाँ हाँ। कल कहाँ गायब हो गए दीदी आप? मैं कल जंगल घूमने के लिए गया ना। बापरे हम पहाड़ घूमने गया कल। उधर बारिश आया, आया था। इतना बारिश आया उधर, मजा आया बहुत। हम लोग भी बारिश में किधर भी बैठने के लिए जगह नहीं था, वो बनाना का लीफ है ना, वो ने ऐसा करके खड़ा किया, हमने नहीं लिया जंगल में ना, तो हम तो पूरा गीला हो गया, हम भी पूरा गीला। आप जाके देखा वो? हाँ पानी तो कम था थोड़ा, हाँ सूख गया तो ना, पानी कम सूखने का टाइम, पानी सूख गया, लेकिन बहुत मजा आया उधर। रास्ता था ना बहुत अच्छा रास्ता था, इतना एडवेंचर वाला, पूरा जंगल जंगल, और ऊपर बारिश आ गया, फिर अंकल ने मैंने कैंप फायर किया उधर, मैगी बना के खाया। आया तो कुछ तो देना पड़ता है। अरे देने का मुझे देखो सबसे जरूरी क्या होता है, प्यार, और मेरे को इधर बहुत प्यार मिला, मेरे को इतना प्यार मिला, इतना फैमिली के जैसा मेरे को रखा है, तो क्या चाहिए मुझे? अंकल यही बोल रहे हैं, अरे कुछ देने का नहीं है, और पागल है यार सच में, मेरे को जो प्यार मिला ना वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। चीजें तो भाई खत्म हो जाती है, चली जाती है, लेकिन ये जो मेमोरीज है, ये लव है, प्यार है, ये हमेशा रहता है यार। तो मुझे वो मिल गया, एकदम फैमिली जैसा मेरे को यहाँ पे मिला, मेरे को लगा ही नहीं कभी किसी और के घर पे हूँ, तो बस वो सबसे ज्यादा मायने रखता है यार मेरे लिए। भाई अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास ये खूब सारे मेडिकल हैं, बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह हैं, तो मैं मेडिकल इनमें से काफ़ी सारी मेडिकल यहाँ पे रख के जाऊँगा मैं, क्योंकि यहाँ से नीचे सिटी जाना पड़ता है इनको मेडिकल लेने के लिए, तो मैं काफ़ी सारी है यहाँ पे रख के जाऊँगा। तो मेरे पास एक और अच्छी चीज़ है, मैं वो भी इनको दे के जाऊँगा। अंकल गारी, गारी आने वाला है, आप गारी आप आने ये चीज़ लो, ये सब छोड़ दो, नहीं ये चीज़ आप लो, ये आपके बहुत काम आएगा। ये देखो ये एक टॉर्च है, बहुत ही बढ़िया वाला टॉर्च है, मैंने ये कैंपिंग के लिए लिया था, लेकिन अब मेरा कैंपिंग तो इधर हुआ नहीं भाई, बिल्कुल भी कैंपिंग इस ट्रिप पे हुआ नहीं था, तो ये टॉर्च मैं यहाँ देके जाता हूँ। यहाँ जंगल है, जंगल में इनको जाना पड़ता है रात को नीचे के लिए, तो ये बहुत मल्टीपर्पज टॉर्च है, ये काम आएगा भाई इनके, टॉर्च है, सिस्टम इनको दिखा देता हूँ अभी, समझा देता हूँ, बहुत बढ़िया वाला टॉर्च है ये। नहीं नहीं अंकल, 3 दिन के बाद वापस बैग हाथ में आया है। बैग उठाना बहुत भारी पड़ता है मेरे लिए, हो गया ना बहुत ज्यादा, चलते हैं तो लेके आ जाओ। आ गया, कहाँ से निकले? इधर से, नीचे से। तो यार फाइनली बस जाना पड़ रहा है, अभी जा नहीं रहा हूँ, जाना पड़ रहा है। मेरे पास अगर और दिन होते ना तो ज़रूर मैं इधर ही रुकता, यहाँ और टाइम स्पेंड करता, खेत में जाता, और बहुत कुछ है यहाँ पे देखने को। चलो चलो भाई चलो,
ये बदके बहुत याद आएगी। ओ आ गया भाई हमारा गाड़ी, आ गया सब लोगों का। यार इतना प्यार मिला ना, कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं सच में। इट इज़ मेमोरीज फॉर लाइफ टाइम। और ये एक्सपीरियंस कभी लिया नहीं था। उसी दिन आया उसी गाड़ी है। अच्छा वही वाला गाड़ी है। हाँ। उसी बंदे का। हाँ सही है सही है। ऐसे मत रखना, सीधा ही रखना इसको। हाँ ऐसे चढ़ो चढ़ो। सो एडवेंचर जर्नी फिर से शुरू है। ठीक अंकल, बहुत 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 याद आएगा आपका, और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया इधर। फिर कभी मौका मिले जरूर। और आप जोधपुर आओ, ठीक है? जोधपुर आओ जब जरूर अपने घर पे ही। हाँ बाय बाय, मिलते हैं फिर। मिलते हैं भाई, अलविदा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि हम फिर से जरूर मिलेंगे। दीदी कहाँ जा रहे हो आप? आप कहाँ जा रहे हो? अच्छा खेत में जा रहे हो ना। हाँ और आप भी खेत में जाओगे ना। अरे मिल गए क्या ये वापस? नीचे तक या कहाँ तक? बस यहाँ तक ही। अरे बहुत याद किया आपको मैंने, पूछो। हाँ मैंने कहा वो दीदी कहाँ है, दीदी कहाँ है। तो भाई देख लो यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, हमेशा खुश रहते हैं। अभी और दीदी वगैरह अभी रुक गए हैं इधर खेत पे, खेत पे जाएंगे दोपहर को, शाम तक वापस आते हैं। ये इनका डेली रूटीन होता है और मैं अभी आगे बैठ गया हूँ क्योंकि पीछे भाई इतना 20 किलोमीटर मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और मुझे दिन भर इंफाल में भी आज घूमना है कि आज लास्ट डे है मेरा और कल मेरी फ्लाइट है, तो इसलिए आराम से यहाँ कम्फर्टेबली बैठा हूँ। अभी सेनापति डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं हम, और भाड़ा लगा सिर्फ 100 रुपये। और अभी यहाँ से भाई वो सामने बस मिलेगी मेरे को, और बस मेरे को पहुँचा देगी इम्फाल के लिए। तो यार बस में बैठ गए हैं और थोड़ी देर बाद बस शायद रवाना हो जाएगी, और करीब 2 घंटे लगेंगे इम्फाल पहुँचने में। सेनापति काफ़ी अच्छा मार्केट है, सिटी टाइप है, और यहाँ पे आपको होटल्स वगैरह भी यहाँ पे सेनापति में तो मिल जाएगी भाई, ऊपर थोंगलोंग में तो नहीं मिलेगी कोई होटल वगैरह। तो आप यहाँ से वहाँ जा सकते हो, सुबह जल्दी जाओ शाम तक वापस आ जाओ। अभी बस स्टॉप उतार दिया है कहाँ पर, इम्फाल में। 2 घंटे लगे, पहुँच चुका हूँ, 12 भी बज चुके हैं। तो यार एक होटल अभी तक मैंने बुक नहीं किया साला, यहाँ पे होटल का बहुत दिक्कत है यार, इतने लिमिटेड होटल्स हैं और साले सारे महंगे महंगे हैं यहाँ पे। तो होटल का आप देखना यार, पहले से बुक करके रखना तो ठीक रहेगा, महंगे ही मिलेंगे साले, सारे 1000 रुपये के ऊपर मिलेंगे। तो अभी कुछ होटल तो बुक करना ही पड़ेगा अभी मेरे को। और फिर सोच रहा हूँ मेरे को भाई कोविड टेस्ट करवाना है, वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, नहीं तो राजस्थान वाले मेरे को 14 दिन क्वारंटाइन में डाल देंगे। तो इसलिए सोच रहा हूँ एयरपोर्ट जाऊँ और वहाँ जाके कोविड टेस्ट करवाऊँ, क्योंकि यार गवर्नमेंट वाला तो यार मेरे को प्रॉब्लम होगा मुझे ऐसा लगता है। इससे अच्छा एयरपोर्ट ही जाके पता करते हैं वहाँ कितने रुपए का है, पर उससे पहले होटल भी बुक करना पड़ेगा, कहीं बैठ के एक बार होटल बुक कर लेता हूँ। तो भाई शहरी में बैठ गए हैं, अभी यहाँ से 2 किलोमीटर है रथल, तो वो मेन थंगल मार्केट है वहाँ पर जाते हैं, वही जाके होटल बुक करूँगा। 20 रुपये लगेंगे सिर्फ, शहरी में ये फ़ायदा है। ये देखो ये जो ईमा कथेल है, जो लेडीज़ लोगों का जो मार्केट है, बस वही मेन मार्केट है यहाँ का, थंगल बोलते हैं इसको।
अभी यहाँ रुक के होटल बुक कर लेता हूँ। एक दो होटल ही है, वो भी 1200-1300 रुपए में मिल रहा है, वो भी एक दो ही है, बाकी सारे 2000-3000-4000, बहुत कम होटल है, ऑप्शन ही नहीं है। मुश्किल से कोई 7-8 होटल मिलते हैं यहाँ पे ऑनलाइन, बहुत तकलीफ है यहाँ पे होटल का। तो भाई सो गाइज, ये है हमारा रूम भाई, ये मैंने ले लिया अभी सिटी सेंटर में। ये इसका बाथरूम एवरेज है रूम, ठीक है। तो ये नॉर्मल रूम है भाई, टीवी वगैरह भी है, और ये भाई थंगल एरिया जो है उस एरिया के अंदर है ये, और 900 रुपये में मैंने बुक कर लिया है। ऑनलाइन तो नहीं किया मैंने, इधर आके मैंने कर लिया था, देखा ऑनलाइन था लेकिन कर इधर आके लिया। तो यार 6 मंजिल का ये होटल है और इसमें लिफ्ट वगैरह भी है, तो सही है यार, 900 रुपये के अंदर सिंगल रूम, इट इज़ गुड। चलो 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 भाई, ये ग्राउंड फ्लोर। और भाई अभी मुझे जाना है कोविड टेस्ट करवाने के लिए, तो मैं पहले एयरपोर्ट पे जाने वाला था, लेकिन ये होटल वाले भैया ने मुझे कहा कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ भी करवा सकते हो, तो ठीक है देखते हैं, अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके वहाँ करवाते हैं, फ्री में हुआ तो भाई बेस्ट है। ये यहाँ का काउंटर है, तो भाई ये रिम्स लिखा हुआ है, तो ये शेयरिंग ऑटो है, इसमें हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है यहाँ के, रिम्स 20 रुपये लगेंगे। तो यार ये है यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रिम्स। तो ठीक है, यहाँ पे हम आ गए हैं, कोविड टेस्ट करवाते हैं, सुना तो है मैंने फ्री में होगा, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, कैसी सर्विस है यहाँ की हॉस्पिटल की वो भी देख लेते हैं। वो देखो भाई, रिम्स हॉस्पिटल, क्या हॉस्पिटल है भाई यार, वो बोले इधर तो होगा ही नहीं टेस्ट हमारा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ कोई टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ वहाँ टेस्ट होगा आपका। प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरे ख्याल से भाई यहाँ 1300-1500 रुपये का टेस्ट होता है। सो लेट्स सी यार, अब क्या करता हूँ, एयरपोर्ट पे कराऊँ या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में, साला कोविड का पंगा ही है। तो यार घूम घूम के परेशान हो गया, पूछ पूछ के काफ़ी सारे हॉस्पिटल गया, वहाँ पूछा कोविड टेस्ट का, काफ़ी तो करते नहीं हैं, और एक जगह था वो करते हैं, इम्फाल हॉस्पिटल प्राइवेट है, वो 1400 रुपये बता रहे थे RT-PCR का। फिर वो बोले एक बबीना हॉस्पिटल है, ज़्यादातर लोग वो बोल रहे हैं कि वहाँ जाओ आप, वहाँ पे वो आपका टेस्ट वगैरह होगा। तो यार चलो प्राइवेट हॉस्पिटल है तो देखता हूँ, हालांकि मेरे वहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो गया है। वैसे तो मैं चाहूँ तो कल एयरपोर्ट पर करवा सकता हूँ, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, अगर मेरा एयरपोर्ट पर नहीं हुआ टेस्ट, अगर वो बोलते हैं नहीं होता है, या फिर अगर वो रिपोर्ट मुझे लेट देते हैं, तो मेरा वो दिक्कत हो जाए, क्योंकि राजस्थान में तो भैया 14 दिन क्वारंटाइन होगा ही होगा अगर मेरे पास टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है तो, क्योंकि राजस्थान में टेस्ट का कोई सिस्टम नहीं है जयपुर एयरपोर्ट पे, इसी वजह से। तो यार ये थोड़ा मुसीबत है मेरे लिए, अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ, अभी भूख लग गई घूम घूम के, क्या कुछ खा लेते हैं, ऑर्डर किया है, अरे भाई डोनेट ले लिया था 10 रुपये में डोनेट, और मुझे ना अभी लोकटाक लेक भी जाना है। मैं सोच रहा हूँ एक बार बबीना हॉस्पिटल जाऊँगा, वहाँ अगर मेरा काम नहीं हुआ तो फिर कल की देखी जाएगी भाई, आज का दिन क्यों खराब करूँ, लोकटाक लेक जाऊँगा फिर, मैं फिर कल एयरपोर्ट पे जल्दी चला जाऊँगा, वहीं पे टेस्ट करवाऊँगा। तो यार ये आ गया हमारा पराठा दाल के साथ और अचार के साथ, अच्छा है, 30 रुपये में। ये है रोल, वेजिटेबल रोल 40 रुपये में। लो यार अभी तो लग गए, ये सारा जो बबीना डायग्नोस्टिक है ये 13 और 14 तारीख को बंद है, ये 12 बजे तक ही खुला था, क्योंकि यहाँ पे भाई अभी एक फेस्टिवल है, सीजीबू नोगमा पम्बा और ये चरक पूजा फेस्टिवल, पता नहीं बोल रहे हैं न्यू ईयर है मणिपुर का आज, तो उस चक्कर में अब दिक्कत हो गया, ये वाला था बबीना, अब करें क्या भाई। और अभी एयरपोर्ट पर मैंने फ़ोन करके पूछा कि भाई डिपार्चर पर आप टेस्ट करोगे नहीं करोगे, मना कर रहे हैं कि हम डिपार्चर पे टेस्ट नहीं करते, हम खाली अराइवल पे टेस्ट करेंगे। भाई अब तो मतलब सीधा सीधा ये मतलब है कि आपको मार्केट से ही करवाना है, और 1400 रुपये लगा के आप मार्केट से टेस्ट करवा सकते हैं। तो भाई अब मैं कंफ्यूजन में हूँ कि क्या होगा। ये देखो भाई, ये यहाँ पे ये पूजा कर रखी है इन्होंने, ज़्यादातर मोस्टली हर घरों के बाहर ये इस तरीके से रोड पर ये रखते हैं पूजा वूजा करने के लिए, तो उस चक्कर में भी आज बहुत सारी लैब्स वगैरह बंद है यहाँ पर। तो यार अब पता नहीं क्या करूं मैं, कहीं ना कहीं टेस्ट करवा दूं इधर ही, या फिर थोड़ा वेट करूं। लोकटाक लेक भी जाना था, ऑलरेडी 3:15 बज चुकी है, कब लेक जाऊंगा, कब वापस आऊंगा भाई, बहुत
पंगे हो रखे हैं। अभी देखो यार क्या करता हूँ, थोड़ी देर में डिसीजन लेना ही पड़ेगा मेरे को। क्या लफड़े है यार, मतलब पैसा दे के भी साला कोविड टेस्ट नहीं हो रहा है। दो हॉस्पिटल और गया, बोलते हैं नहीं होगा नहीं होगा, अभी आज वो फेस्टिवल है तो नहीं होगा, क्योंकि साला ये मेन तो बबीना बंद है। ये सारे हॉस्पिटल वाले जो है बबीना से सैंपल देते हैं और मेन जांच ये करता है। अभी फेस्टिवल ऐसा आया कि मेरा लग गया भाई, एयरपोर्ट वाले कर नहीं रहे हैं, यहाँ साला हो नहीं रहा है टेस्ट, और राजस्थान में जयपुर एयरपोर्ट पर होता नहीं है, मैं जो करूँ तो करूँ क्या, चक्कर ये आ गया यार। सो अभी चलो एक और दूसरा हॉस्पिटल बताया इन्होंने, वहाँ पे जाके ट्राई करता हूँ होता है कि नहीं होता है। आज पूरे दिन लग के कैसे भी करके कोरोना टेस्ट करवाना ही पड़ेगा मुझे आज। तो भाई अभी ये टैक्सी पकड़ के आए हैं दूसरे हॉस्पिटल पे, ये वाला। तो अभी देखो यार यहाँ पे होता है नहीं होता है, आज तो हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के मैं परेशान हो चुका हूँ। तो कोविड टेस्ट हो जाएगा और रिपोर्ट वगैरह भी 7 बजे तक मिल जाएगा उसका, जो वो मांगते हैं ना CMI, क्या नाम होता है उसका, ICMR होता है, तो उसका सर्टिफिकेट वाला ही कोविड टेस्ट मिलेगा जो अपने एरोप्लेन वगैरह में चल जाएगा। कॉस्ट है 2000 रुपये की, तो थोड़ा कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अब चलो करवा देते हैं, क्या करें अब, तो अपना काम बस हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो चलो करवा ही लेता हूँ यहाँ से टेस्ट, ठीक है। ये तो ब्लॉग। तो भाई टेस्ट वेस्ट दे दिया मैंने, नाक से टेस्ट लिया था उन्होंने, और बस ठीक है, करीब 6:30-7 बजे मिल जाएगा ना, 7 बजे के अंदर अंदर रिपोर्ट मिल जाएगा, और उसके बाद अगर लेट भी होता हूँ तो भी रिपोर्ट इधर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, हॉस्पिटल तो खुला है। तो चलो थैंक यू भैया, हो गया अपना काम, बाय बाय, मिलता है, ओके। तो चलो यार ये एक टेंशन तो ख़त्म हुई, भले ही 2000 रुपये लगे लेकिन काम हो गया साला। अभी मैंने एक नया आइडिया लगाया है कि साला लोकटाक, मेरे को जाना है ना लोकटाक लेक जाना है, लोकटाक लेक मैं अब कल सुबह मॉर्निंग में जाऊँगा जल्दी, और 3 बजे का मेरा फ्लाइट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने वेब चेक इन कर दिया है ऑलरेडी, मेरे पास कोविड रिपोर्ट है, तो मैं अगर 1-1.5 घंटा पहले भी अगर एयरपोर्ट जाता हूँ तो मेरा काम तो भाई हो जाएगा। तो इसीलिए कल का दिन मैं लोकटाक लेक आपको ज़रूर दिखाऊँगा कल मॉर्निंग में। और अभी हम वापस जाएंगे अब अपनी होटल पे। तो भाई अभी टैक्सी पकड़ के मैं आ गया यहाँ पे, शेयरिंग में 20 रुपये लगे, और भाई अपना रिपोर्ट ले लेते हैं। ये अपना नेगेटिव, हाँ ये उसका लोगो है ICMR का, और उससे मतलब जो सर्टिफाइड लैब होती है उसी से करवाना है, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सर्टिफाइड है ICMR उसी से किया हुआ टेस्ट ही चलेगा, तो हर कहीं से टेस्ट मत कराना, ठीक है भैया, थैंक यू। और भैया को बहुत अच्छा लगा मिलके। तो चलो यार अभी वापस चलते हैं होटल पे, और बस यही है 7 बजे यहाँ तो पूरा मार्केट वार्केट सब बंद हो जाता है, तो उसके बाद कुछ है ही नहीं करने को, खाएंगे पियेंगे सो जाएंगे, और सुबह सोच रहा हूँ कि मैं लोकटाक लेक ज़रूर जाऊँ। बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ अगर मैं जा रहा हूँ तो। वेलकम इन लोकटाक लेक।